नमस्कार, आप सभी मित्रों का जन सराकोर मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। गीता धवल लखवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। दो एक मुक्तक के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। तो अभी जैसा कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन अब तो खैर खुल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अनिश्चितता की स्थिति बहुत है। कई लोगों की प्राइवेट कंपनीज में जो लोग एम्प्लॉयज़ थे, मैंने सुना उनमें से कई लोगों की जॉब भी ख़त्म हो गई, चली गई जॉब। काम धंधे थोड़े कम हैं, मंदे पड़े हैं, मार्केट बंद हैं अभी। तो उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, सिर्फ एक मुक्तक से अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगी। अगर पसंद आए आप लोगों को तो उत्साह बढ़ाइएगा। आइए मुक्तक से जुड़ने का प्रयास करती हूँ मैं आप सभी के साथ में। दे एक प्रेरक मुक्तक आप सभी के लिए, आप सभी के नाम देती हूँ। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है। मन में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है। रस में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। सूरज छिपा लिया बादल ने, कोई डर की बात नहीं। सूरज छिपा लिया बादल ने, कोई डर की बात नहीं। अंधियारा जुगनू के आने से घबराता है। अंधियारा तो एक जुगनू के आने से घबराता है। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है। मन में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। कि अगर एक मन में विश्वास की छोटी सी भी किरण अपने साथ हो तो हर संकट, हर मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटी सी रोशनी का टुकड़ा ही अंधेरे को चीरने का पूरा सामर्थ्य रखता है। एक प्यार भरा मुक्तक आप सभी के लिए। खास तौर पर आज मैंने किसी का स्टेटस पढ़ा था कि जब कोई लड़की मुझे बाबू कहती है तो मुझे लोगों को पता नहीं कैसे प्यार वाली फीलिंग आने लगती है, मुझे तो चपरासी की फीलिंग आती है। तो उस स्टेटस को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक मुक्तक तो इस पर पढ़ना बनता है। ध्यान दीजिए, वो कहता है पगली है तू, मुझ पर जान लुटाती है। वो कहता है पगली है तू, मुझ पर जान लुटाती है। जाने ऐसा क्या है मुझ में, मुझसे प्रीत निभाती है। मैं उसको कैसे ये कह दूं, बाबू प्रेम डगर है ये। मैं उसको कैसे ये कह दूं, बाबू प्रेम डगर है ये। इस पर नहीं चले हम, दिल की धड़कन हमें चलाती है। इस पर नहीं चले हम, दिल की धड़कन हमें चलाती है। और जब बात प्रेम की शुरू हो ही चुकी है, तो चलिए प्रेम का एक दूसरा पहलू भी देखा जाए। क्योंकि शादी के पहले तक का तो प्रेम सब जानते ही हैं, अपनी महबूबा के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद एक कप दही तक लाके नहीं देते जल्दी से बाजार से, गिफ्ट की तो बात छोड़ दीजिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, और हमारी प्यारी सखियों के साथ भी हुआ होगा जरूर, क्योंकि वैलेंटाइन आता है और वैलेंटाइन पर हर महिला के, हर लड़की के मन में एक ही ख्याल होता है कि उनका प्रिय, उनका प्रेमी, तो उनका पति या उनका प्रेमी वैलेंटाइन डे पर उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी सोच रखा था, मेरे मन में भी ख्याल आया, और मेरी सखियों रेनू जी, गीता जी, इन लोगों के मन में भी यही ख्याल था कि
हमारे पतिदेव आएंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेकर आएंगे। रचना निर्मल जी ने भी मुझसे कई बार ये बात बताई थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी आप बीती बताने से आप लोगों को रोक नहीं पा रही हूँ। तो क्या हुआ सुनिए। वैलेंटाइन पर दिया बेलन का उपहार, वैलेंटाइन पर दिया बेलन का उपहार, चौके तब मोरे पिया ये क्या है सरकार, बात कुछ समझ ना आई बनी क्यों काली माई, बात कुछ समझ ना आई बनी क्यों काली माई। फिर मैंने क्या कहा, दिन भर बैठी आस में पर तुम खाली हाथ, दिन भर बैठी आस में पर तुम खाली हाथ, टीवी के हो सामने मोबाइल के साथ, टूट गए सपने सारे बने तुम पति हमारे, टूट गए सपने सारे बने तुम पति हमारे। गीता, इसके बाद क्या हुआ, प्रेम दिवस की हार्दिक भेजे हमें बधाई, प्रेम दिवस की हार्दिक भेजे हमें बधाई, इमोजी के संग में शर्म तुझे ना आए, नहीं अब खाना दूंगी इमोजी ही भेजूंगी, नहीं अब खाना दूंगी इमोजी ही भेजूंगी, मैं हीरोइन की तरह बैठी नजर झुकाए, मैं हीरोइन की तरह बैठी नजर झुकाए, जालिम ने देखा नहीं मुझको नयन उठाए, बड़ा ही बोर पिया है मुझे इग्नोर किया है, बड़ा ही बोर पिया है मुझे इग्नोर किया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करे तू तो है गद्दार, व्हाट्सएप पर मैसेज करे तू तो है गद्दार, सखियों के प्रेमी पिया खूब जताए प्यार, बना फिर तारंग रसिया खड़ी कर दूं मैं खटिया, बना फिर तारंग रसिया खड़ी कर दूं मैं खटिया। अब इसमें हमारे प्रमोद भाई जब हैं, उनकी वाइफ ने उनसे ये शिकायत की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ वैलेंटाइन डे पर, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी उसके बाद ही उनके साथ ये त्यौहार हुआ था। तो प्रमोद भाई ने कहा भाई अब ये तो बड़ा गलत हो गया, हम भूल तो गए, क्योंकि प्रमोद भाई को तो कंटिन्यू लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं या फिर भगवान का नाम और माता रानी का ध्यान। तो इन्होंने अपनी पत्नी को मनाने के लिए क्या कहा, सब कुछ तेरा है प्रिय कहते आप जनाब, पत्नी भी कम नहीं थी, सब कुछ तेरा है प्रिय, ये जो चौबे जी हैं हमारे उनके साथ भी यही कुछ हुआ था, सब कुछ तेरा है प्रिय कहते आप जनाब, लेकिन सारे खर्च का मांगे सदा हिसाब, सदा करता नौटंकी पति है या है मंकी, सदा करता नौटंकी पति है या है मंकी। अब हमारी ये जो गीता बहन है, इन्होंने क्या किया, इनको बहुत उम्मीद थी कि इनके पतिदेव कुछ तो इनके लिए लाए ही होंगे, आखिर इतना प्यार करते हैं इनसे, कल इन्होंने मनाया भी था अपने पतिदेव को, तो इनको पूरा विश्वास था कि वैलेंटाइन डे पर तो इन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो इन्होंने क्या किया, सरप्राइज की आस में अलमारी ली छान, सरप्राइज की आस में अलमारी ली छान, मोजों की बदबू मिली रे गंदे इंसान, नहाता रोज नहीं तू ठिकाना खोज कहीं तू, नहाता रोज नहीं क्यों ठिकाना खोज कहीं तू। लेकिन तब भी उम्मीद ऐसी चीज है कि अपना दामन नहीं छोड़ती, और यही हमारी कौशल बहन के साथ हुआ। हमारी कौशल वंदना बहन ने देखा तकिए के पास में और सीधे भागते हुए पहुंची और बोली, तकिए के नीचे लगा
कुछ तो रखा छिपाए, तकिए के नीचे लगा कुछ तो रखा छिपाए, बैरी तकिया भी मगर मुझको रहा चिढ़ाए, कहे कंजूस बड़ा है तेरा हसबेंड सड़ा है, कहे कंजूस बड़ा है तेरा हसबेंड सड़ा है। अब क्या हुआ, हम सारी की सारी महिलाओं को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद रणचंडी का रूप धर दे बेलन का वार, रणचंडी का रूप धर दे बेलन का वार, साजन को होने लगा तारों का दीदार, होश फिर आए ठिकाने गाए माफी के गाने, होश फिर आए ठिकाने गाए माफी के गाने, बोली भूलूंगा नहीं सदा रखूंगा याद, बोली भूलूंगा नहीं सदा रखूंगा याद, पत्नी को बस गिफ्ट दो और रहो आबाद, करो बस पत्नी की जय लगे ना कोई भी भय, करो बस पत्नी की जय लगे ना कोई भी भय। तो ये थी हम पत्नियों की दुख भरी गाथा, जो हमने इतनी दुखी मन से, इतनी करुणा भरे मन से आप सभी के सामने प्रस्तुत की। आप सभी को भी तकलीफ हुई ना, आगे से भूलना मत, वैलेंटाइन डे को याद रखना ना, गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए लेकर आना जरूरी होता है। अब अगर आप लोग कहें तो एक और हास्य प्रस्तुति दूं। आप सभी निशब्द क्यों हो गए? प्रिया गौतम जी, खम्मा घड़ी के बाद क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, शायद घड़ी खम्मा कहते हैं, तो घड़ी खम्मा सा मैं देखती जा रही हूं, अगर किसी के कमेंट्स छूट जाएं तो मुझे दोबारा से बता दीजिएगा कि मैंने आपके कमेंट को नहीं देखा है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके सभी कमेंट्स के जवाब दूं। महेश नारायण शास्त्री जी कहते हैं जय तू। हाँ, ये प्रमोद भाई काली माई कह रहे हैं अपनी बहनों को जलते हैं हमसे, दरअसल हम काले नहीं हैं। हुआ क्या था कि भगवान जी हमें बनाने के बाद में काला तिल बना रहे थे, और वो काला तिल बनाते हुए ना स्याही थोड़ी सी फैल गई, बस और कोई बात नहीं है। और बल्कि एक बात और मुझे भगवान जी ने बताई थी कि ये जो जितने गोरे चिट्टे बैठे हैं ना, ये तो कच्चे हैं, जल्दी मचा रहे थे धरती पर जाने की, तो इन्हें आवे से, आवा जिसमें कच्चे मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाता है, इन लोगों को आवे से जल्दी उतार दिया गया था, और हमें अच्छी तरह पका के उसके बाद धरती पर भेजा गया है, तो हम बहुत मजबूत हैं, नाजुक नहीं है, इसीलिए हम ऐसे हैं। ब्रिजमोहन मीना जी कह रहे हैं यस, लेकिन यस किस बात के लिए कहा ये मुझे समझ नहीं आया। देवराज जी कह रहे हैं बिल्कुल दीजिए। ब्रिजमोहन मीना जी कहते हैं शानदार प्रस्तुति, धन्यवाद। और भयहात्री मंत्र, प्रमोद भाई आपको तो बहुत ज़रूरत है, नहीं तो ये जितनी फसल आपके सिर पे दिखाई दे रही है ना, मैंने देखा था कि फसल उजड़नी शुरू हो रही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, और जो कुंवारे हैं वो इस बात को गांठ बांध के रखें। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी दूसरी प्रस्तुति पर। ये भी मेरा अपनी प्यारी बहनों के प्रति, उनकी जो दुख तकलीफ है उनके प्रति मेरी समर्पित रचना है, और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, और जितने पुरुष मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे खास तवज्जो चाहूंगी कि वो इसे सुने, ध्यान दें, और अपनी पत्नियों के साथ में ऐसा ना करें। तो आइए चलते हैं हंगामा की तरफ। कौशल कह रही है मजा आ गया, मुझे लगा मैं बच जाऊंगी पर तेरी याददाश्त से कौन बचे, बादाम खाती हूँ रोज, अभी कुछ दिन से छोड़ दिया है बस बादाम खाना। आइए दूसरी प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। बड़ी अरमां से रातों को जुगाती हूँ तो हंगामा, बड़ी अरमां से रातों को
कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। बड़े अरमा से रातों को जगाती हूँ तो हंगामा। कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। वो कहते हैं सनम जुल्फे सुकून मुझको सदा देती। ये हर प्रेमी अपनी पत्नी को कहता है और नई नई शादी में पति भी अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय अपनी जुल्फों की छाँव में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे सुकून मिल जाएगा, इतना सा बस अपनी जुल्फों का आसमान दे दो। लेकिन हकीकत क्या है, उस हकीकत पे ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं सनम जुल्फे सुकून मुझको सदा देती। वो कहते हैं सनम जुल्फे सुकून मुझको सदा देती। जो जुल्फे दाल सब्जी में गिराती हूँ तो हंगामा। जो जुल्फे दाल सब्जी में गिराती हूँ तो हंगामा। कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। तलब है बस तेरे दीदार। ये अक्सर कर होता है। रामगोपाल चौबे जी की जब नई नई शादी हुई थी तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि प्रिय बस तुम सामने बैठी रहो, मुझे तो और मेरी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। अब इनकी पत्नी ने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया। बेचारी बहुत भोली भाली थी, उनको लोगों ने कहा भी कि पति की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। क्या हुआ फिर? तलब है बस तेरे दीदार की कुछ और क्या चाहूं। तलब है बस तेरे दीदार की कुछ और क्या चाहूं। तलब है बस तेरे दीदार की कुछ और क्या चाहूं। यही सच मान जब कुछ ना पकाती हूं तो हंगामा। यही सच मान जब कुछ ना पकाती हूँ तो हंगामा। कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। अब ये जो देवराज जी हैं इनके गर्लफ्रेंड से इनका एक बार झगड़ा हो गया तो उन्होंने उसको मनाने के लिए क्या कहा, गुस्सा हो गई थी रूठ के चली गई तो उन्होंने कहा अरे पगली तू अपनी है। ये ब्रजमोहन मीना जी के साथ भी हुआ था। अरे पगली तू अपनी है इसी से तुझे से लड़ता हूँ। अरे पगली तू अपनी है इसी से तुझे से लड़ता हूँ। अरे पगली तू अपनी है इसी से तुझे से लड़ता हूँ। दो एक घूंसे जो उनको मैं लगाती हूँ तो हंगामा। कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। अक्सर का ससुराल में बहुओं के साथ में मजाक हो जाता है कभी कभी। बहुत से लोग कहते हैं बहू मेरी नहीं तू तो हमारी लाडली बेटी। और हम बहुएं सच भी मान लेती हैं ऐसे। बहू मेरी नहीं तू तो हमारी लाडली बेटी। बहू मेरी नहीं तू तो हमारी लाडली हकीकत मान जब सपने जताती हूँ तो हंगामा। कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। बाबूलाल जी ने एक बार क्या किया, ये एक पार्टी में गए थे और अधिकतर हमारे जितने भी पुरुष मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ में होता है कि ये लोग जब पार्टी में जाते हैं तो थोड़ी ड्रिंक श्रिंक
चलती है, करते हैं। और जब इनकी पत्नी या इनकी गर्लफ्रेंड इनको टोकती है तो ये क्या कहते हैं? नहीं ये जाम, ये तो है दवा खुशियों की जाने मन। नहीं ये जाम, ये तो है दवा खुशियों की जाने मन। नहीं ये जाम, ये तो है दवा खुशियों की जाने मन। लगा दो घूंट महफिल में जो आती हूं तो हंगामा, कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूं तो हंगामा। विपाशा का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह से निकली होगी, आ विपाशा आलिया है हॉट, उफ क्या ऐश दिखती है। ये यहाँ पर कई लोग थे, इन लोगों ने यही चीज बोली थी कि विपाशा आली, अक्सर पिक्चर देखते हैं तो यही बोलते हैं। ये महेश स्वामी जी, इन्होंने भी कहा था इनकी फेवरेट हीरोइन है विपाशा, और चौबे जी की आलिया उनको बहुत पसंद है, और देव जी को विपाशा बहुत पसंद है। और यहाँ पर कई लोग हैं जिनके नाम में मुझे याद नहीं आ रहे, पर इनकी फेवरेट हीरोइन इनमें से कोई ना कोई तो होगी ही होगी। तो ये लोग जब कह रहे थे विपाशा आलिया है हॉट, उफ क्या ऐश दिखती है। विपाशा आलिया है हॉट, उफ क्या ऐश दिखती है। पहन छोटी मिनी जब मैं दिखाती हूं तो हंगामा, पहन छोटी मिनी जब मैं दिखाती हूं तो हंगामा, कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूं तो हंगामा। तो ये थी हंगामेदार प्रस्तुति। अब पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था। बना के धड़कन तुझे ही अपनी जिया करेंगे ये तय हुआ था। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था। झुका के पल के हुजूर बैठे, झुका के पल के हुजूर नजर उठाए तो बात कुछ हो। झुका के पल के हुजूर बैठे नजर उठाए तो बात कुछ हो। फसान दिल के नजर में उनकी, फसान दिल के नजर में उनकी, पढ़ा करेंगे ये तय हुआ था। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था। छुपा के तुम मुझसे अश्क अपने, चले कहाँ यूं चुरा के नजरें। छुपा के तुम मुझसे अश्क अपने, चले कहाँ यूं चुरा के नजरें। मेरी निगाहों से गम तुम्हारे, मेरी निगाहों से गम तुम्हारे, बहा करेंगे ये तय हुआ था। तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे ये तय हुआ था।
सफर हो दुशवारियों सफर हो दुशवारियों भराया, हो मखमली सफर हो दुशवारियों भराया या हो मखमली सुरमई सिराहे, हमेशा हाथों को तेरे थामे, हमेशा हाथों को तेरे थामे चला करेंगे, ये तय हुआ था तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। मुझे भुला दो तुम्हारी मर्जी, मुझे भुला दो तुम्हारी माँ तुम्हारी मर्जी, मुझे भुला दो तुम्हारी मर्जी, ना साथ आओ तुम्हारी मर्जी, जिएंगे जब तक सदा तुझी से, जिएंगे जब तक सदा तुझी से वफा करेंगे, ये तय हुआ था तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे, ये तय हुआ था तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। गुजर गई है तमाम सदियां, गुजर गई है तमाम सदियां, गुजर गई गुजर गई है तमाम सदियां, गुजर गए हैं तमाम मौसम, रुके हुए हम वही जहां पर, रुके हुए हम वही जहां पर मिला करेंगे, ये तय हुआ था तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे, ये तय हुआ था तेरी ही बातें तेरा ही नगमा लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ गीत होते हैं जो मन के बहुत करीब हो जाते हैं, ये गीत भी उन्हीं में से एक गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गजल आप सभी के सामने और प्रस्तुत है, हालांकि इसके बाद मैं आपको कोई कहानी अवश्य सुनाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मेरे इस पोस्ट में बताया भी गया था कि कुछ कहानियाँ और कुछ कविताओं के साथ मैं आपके सामने होंगी, तो बस इस एक आखिरी गज़ल के बाद मैं अपनी कहानियों पर आती हूँ। और यह एक गज़ल आप सभी के सामने। न शिकवाई करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है, न शिकवाई करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है, बहुत बार तोड़ा बहुत बार जोड़ा, बहुत बार तोड़ा बहुत बार जोड़ा, बहुत बार तोड़ा बहुत बार जोड़ा, सुनो दिल मेरा ये बेचारा नहीं है, न शिकवाई करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है, किसे अब पुकारे नहीं को
किसे अब पुकारे नहीं कोई अपना, खुदा के सिवा अब सहारा नहीं है। न शिकवा ये करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है। नहीं यूं तको तुम निगाहों को मेरी, नहीं यूं तको तुम निगाहों को मेरी, नहीं यूं तको तुम निगाहों को मेरी, अभी दर्द मैंने बुहारा नहीं है। न शिकवा ये करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है। वो पत्थर है फिर भी करूँ गुफ्तगू मैं, वो पत्थर है फिर भी करूँ गुफ्तगू मैं, वो पत्थर है फिर भी करूँ गुफ्तगू मैं, मुकद्दर से दिल भी हारा नहीं है। न शिकवा ये करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है। तुरुसवा करे फिर भी चूमे तेरा दर, तुरुसवा करे फिर भी चूमे तेरा दर, तुरुसवा करे फिर भी चूमे तेरा दर। मेरा इश्क इतना नकारा नहीं है, न शिकवा ये करना पुकारा नहीं है, पलटना तुम्ही को गवारा नहीं है। तो इसे गजल के बाद मुझे लगता है अब समय भी हो गया है, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। और कहानियां मैं सुनाने वाली थी लेकिन अब मुझे लगता है कि समय सीमा समाप्त हो चुकी, तो मैं आपको अपनी सबसे पहली लघु कथा सुनाती हूँ, जिस लघु कथा को लिखने के बाद मुझे लोगों ने पहचानना शुरू किया। और ये कथा मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदी में छपने के पहले इस लघु कथा का पंजाबी में अनुवाद किया गया। और लघु कथा के एक बहुत ही अच्छे बहुत बड़े नाम हैं आदरणीय रवि प्रभाकर जी, उन्होंने अपनी पत्रिका में इसे स्थान दिया। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक लघु कथा अस्तित्व। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा, यह प्रसंग आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके बाद उस अंगूठे का क्या हुआ, यह प्रश्न शायद कुछ लोगों के मन में आया हो। और इसी प्रश्न के उत्तर को मैंने अपनी लघु कथा में प्रस्तुत किया है। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने लघु कथा अस्तित्व। द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ आगे बढ़ गए। एकलव्य अब भी गुरु की मनचाही दक्षिणा देने के सुख से अभिभूत बैठा था। सामने गिरा रक्त रंजित अंगूठा उसका मुंह देख रहा था। अब क्या करोगे, कैसे चलाओगे धनुष, देखा देखा द्रोण का छल, अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई ना हो इसलिए मुझे पृथक कर दिया तुमसे। दिवा स्वप्न से जाग कर चौंक उठा एकलव्य। अभी थोड़ी देर पहले तक उसी के शरीर का अंश था वो अंगूठा जो अब उससे सवाल कर रहा था। मैं तुम्हारे बिना ही धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा, मेरे बिना, तुम जानते हो ना इस विधा के लिए मेरा होना कितना महत्व रखता है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम अब एकलव्य, कुछ नहीं कर पाओगे। गुरु की अंधभक्ति में तुमने खुद का भविष्य ही समाप्त कर लिया। नहीं, तुम्हारे इसी अभिमान के कारण तुम्हारा त्याग कराया है मेरे गुरु ने,
बहुत अभिमान है ना तुमको अपनी धनुर्विद्या पर? बहुत अभिमान है ना? मैं तुम्हारे बिना धनुर्विद्या नहीं कर सकता। मैं सिद्ध अभिमान पर दृढ़ निश्चय भारी पड़ता है। एकलव्य के चेहरे पर तेज था। अपूर्ण हो तुम मेरे बिना एकलव्य, अपूर्ण। विद्रूपता से हंस पड़ा अंगूठा, पर एकलव्य निष्प्रह था। तुम देख लेना, तुम्हारा दंभ चूर होगा, कहते हुए एकलव्य ने आकाश में देखा। अचानक बिजली सी कौंध पड़ी और आकाशवाणी हुई, एकलव्य, गुरु के लिए तुम्हारी निष्ठा और समर्पण के पारितोष स्वरूप भविष्य में तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग वर्जित रहेगा। नतमस्तक था एकलव्य आकाशवाणी के आगे, और अंगूठा अपना अस्तित्व खोता जा रहा था। साथियों, आज की आधुनिक तीरंदाजी में अंगूठे का प्रयोग वर्जित रहता है, और इस तीरंदाजी का जनक एकलव्य को माना जाता है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये थी लघु कथा एकलव्य। अस्तित्व चाहे वो किसी का भी हो, यदि वह अभिमान में रूपांतरित हो रहा है तो वह नुकसानदायक ही होता है, और घमंडी का सिर नीचा होता ही है। यही इस लघु कथा की शिक्षा है। और अब समय हो चुका है, चूँकि मैंने वादा किया था कि एक कहानी मैं चलते चलते ज़रूर सुनाऊंगी, तो इसलिए अब आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए आप सभी से और इस पटल से इजाज़त लेती हूँ। जन सराकोर मंच को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। गीता धवन जी, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।